तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो फैनकोड यूरोपियन क्रिकेट टीटन पुर्तगाल की लीग खेली जा रही है ना, इसका भाई जो आज के दिन का मतलब पहला और दूसरा और टूर्नामेंट का तीसरा और चौथा मैच जो कि खेला जाएगा गैम्बलर्स SC वर्सेज गोरखा 11 के बीच में। दोनों ही मैच भाई यहाँ पर सेम टीम के बीच खेले जाने हैं। पहला मैच खेला जाएगा भाई 9:30 पर शाम को और दूसरा मैच भाई यहां पर खेला जाएगा रात को करेक्ट 12 बजे। तो दोनों ही मैचेस के लिए सेम प्रिडिक्शन रहेगी, सेम वीडियो रहेगी। तो अगर आप दोनों में से किसी भी मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तो बेहतरीन तरीके से वीडियो देख लीजिए, गारंटी के साथ आपकी विनिंग हो जाएगी। एक एक प्लेयर के अभी मैं आपको स्टैट्स बताऊंगा। यहां पर भाई हमारे लिए स्टैट्स वर्क करेंगे, मैं काफी बार बोलता हूं भाई लॉजिकल चीजें वर्क करेंगी, लेकिन भाई मैंने ये भी आपको साथ साथ बोला हुआ किसी भी टूर्नामेंट का किसी भी टीम का पहला मैच हमेशा स्टैट्स के ऊपर ही खेला जाएगा, उसके बाद के मैच भाई लॉजिकल बेसिस पर खेले जाएंगे, बस नए प्लेयर्स के स्टेट्स से चेक किए जाएंगे। तो अब चलिए भाई बात करते हैं इस मैच के बारे में। तो यहां पर भाई अगर बात करें तो गैम्बलर्स SC वर्सेस गोरखा 11 के बीच मैच खेला जाएगा। तो यहां पर भाई दोनों टीम्स ने अभी तक मतलब इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं खेला है, तो दोनों ही टीम्स का ये पहला पहला मैच होने वाला है। और मेरे भाई यहां पर है ना वीडियो एंड तक देख लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यार आपका एक एक लाइक है ना काफी ज्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए और ज्यादा मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोज बनाने के लिए। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक जो मैं आपको बताना चाहता हूं, टेलीग्राम चैनल से आप अगर जुड़ना चाहते हो जहां पर भाई आपसे मैं हमारी बातें भी होती रहेंगी और भाई वहां पर किसी भी मैच की मैं फाइनल टीम जो भी मैच मैं कवर करता हूं तो उसकी जो भी फाइनल टीम होती है ना मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाता हूं। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया और अगर आप इंटरेस्टेड हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है कि भाई ज्वाइन करना ही करना, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। कोई पेड़ वेड़ वाला चक्कर ना तो कभी था और ना ही कभी होगा। अब अगर बात करें भाई यहां पर मैच की, तो यहां पर भाई कुछ ऐसे प्लेयर्स मैं आपको बताने वाला हूं जिनका सिलेक्शन आप देखोगे ना तो 30% 20% 5% ऐसे ऐसे प्लेयर्स है भाई जो आपके लिए बहुत बड़े जैकपॉट रहेंगे। अब यहां पर भाई मैं आपको स्टैट्स बाद में दिखाऊं, पहले आप यहां पर देखें जय बालकृष्ण गजब का प्लेयर है यार, मतलब क्या ही बोले इसके बारे में। यहां पर आप देखिए जितेश कुमार कृष्णा 36 मैच 330 रन 3 विकेट, मतलब अब ऐसे प्लेयर्स को आप ट्राई नहीं करोगे तो किसको करोगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ट्राई करेंगे, GL के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ध्यान से आप देखिएगा वीडियो को, अच्छी खासी विनिंग यहाँ पर आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहले गैम्बलर्स SC के प्लेयर्स की स्टैट्स की बात करेंगे, तो सबसे पहले बात कर लेते जितेश कुमार बालकृष्णा 36 मैच में 330 रन और 3 विकेट है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, जरूर से आप ट्राई करके चल सकते हो। सुनील कुमार की बात करेंगे 16 मैच खेले 8 विकेट है, GL मिनी GL के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्मॉलिंग में ड्रॉप कर सकते हो। वहीं अगर बात करें कुलदीप गोलिया 100% ओपनिंग करता नजर आएगा, जरूर से अपनी टीम में रखेगा, 32 मैच में 710 रन है। ये बंदा ऐसा है कि 20 बॉल खेल कर जाएगा तो 60 रन भी बनाकर जा सकता है इजीली, बहुत ही मतलब हार्ड हिटर बैट्समैन है, तो ट्राई आपको करना ही करना है। इसके अलावा जो शहादुर रहमान है इनकी अगर बात करें तो एक बेहतरीन गेंदबाज के तौर पर उभरे हैं, 10 मैच में 10 विकेट निकाल चुके हैं, मेरे हिसाब से आपके लिए मस्ट पिक रहेगा, जरूर से ट्राई कर सकते हो। अमनदीप खोखर की बात करें 19 मैच में 275 रन, ठीक ठाक प्लेयर है, स्मॉल लीग में एक ट्रंप कार्ड का काम कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे। इसके अलावा कपिल सुरेंद्र कुमार की बात करें तो भाई 11 मैच के रिकॉर्ड मतलब 11 ये तो रिकॉर्ड मिला 11 मैच खेले, बट इसके आगे कुछ भी रिकॉर्ड इनका नहीं मिला तो अभी मैं ट्राई नहीं करने वाला। नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर जयप्रकाश के 6 मैच में 3 रन है, विकेट भाई इनकी शायद 9 थी, यहाँ पर भाई नोट डाउन करना भूल गए, तो अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। प्रिंस मराठा की बात करें 4 मैच में 3 रन है, इनके भी स्टैट्स कुछ खास नहीं है। परवीन सिंह की बात करें तो इनके स्टैट्स हमें मिले ही नहीं, तो यहाँ पर भाई देखिए अभी मैं इन तीनों प्लेयर्स को डाउट में लेके चल रहा हूँ, इनके बारे में जो भी फाइनल अपडेट होगी वो आफ्टर लाइनअप्स आफ्टर टॉस मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको पता लग जाएगी। राव इमरान की बात करेंगे भाई 26 मैच में 464 रन और 5 विकेट है, जो 5 विकेट आप देख रहे हो ना ये लास्ट सीजन में आई थी और उससे पहले बॉलिंग करवा नहीं रहा था, तो एक शानदार प्लेयर है, मेरे हिसाब से आपको ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा रंजीत नारायण की बात करें 20 मैच में 137 रन प्लस 14 विकेट, एक ठीक ठाक प्लेयर है, एवरेज प्लेयर आप मान सकते हो या फिर आप GL में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी एवरेज प्लेयर का भी दिन आता है और भाई वो मतलब कुछ गजब ही कर जाता है, ठीक है, तो ट्राई कर सकते हो। गोरखा 11 जो भाई इस मतलब इस मैच में फेवरेट लग रही है, इनके अगर स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पर भाई देखेंगे सबसे पहले
इमरान खान को 49 मैच में 642 रन 36 विकेट, मेरे हिसाब से मस्ट हैव पिक, इवन सीवीसी का सबसे अच्छा दावेदार। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर मधुकर थापा 32 मैच में 35 विकेट, अगेन एक शानदार स्ट्राइक बॉलर है, टीम का ट्राई कर सकते हो, है ना। वहीं अगर बात करें अबसार आलम की तो 25 मैच में 162 रन है और 9 विकेट इन्होंने निकाले हैं, तो ठीक ठाक प्लेयर है। ग्रैंडनिक के लिए एक ट्रंप कार्ड प्लेयर आपके लिए रहेगा, ट्राई करिएगा। वहीं अगर बात करें सुमन गिमरे की तो जीएल मिनी जीएल के साथ साथ स्मॉल लीग में भी एक ट्रंप कार्ड रहेगा, 36 मैच में 240 रन 2 विकेट। मनजीत सिंह की बात करेंगे 25 मैच में 45 रन 2 विकेट, जीएल मिनी जीएल में ही एक आधी टीम में ट्राई कीजिएगा। एमडी शैकत अली की बात करें 100% हमारी टीम में रहेगा, 24 मैच में 209 रन और 17 विकेट गारंटी के साथ टीम में लेकर चलेंगे और अच्छी खासी विनिंग करवाएगा। इम्तियाज राणा की बात करें 17 मैच में 137 रन और 9 विकेट निकाल चुका, अगेन एक शानदार प्लेयर, ट्राई कर सकते हो। विनीत कुमार की बात करें तो भाई एक मैच इन्होंने खेला, कुछ खास स्टैट्स इसके हमें मिले नहीं। वहीं अगर बात करें राहुल कुमार की तो 10 मैच में 2 विकेट 152 रन भी है, ठीक ठाक प्लेयर है, ट्राई करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज ड्रॉप भी कर सकते हो। शुभम बाटे की बात करें तो इनके भाई कुछ स्टैट्स खास लगे नहीं और भाई कुछ स्टैट्स इनके हमें मिले भी नहीं। मनदीप सिंह की बात करें 22 मैच में 237 रन 5 विकेट, मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, जरूर से आप यहाँ से अपनी टीम में लेकर चल सकते हो। अब अगर यहाँ पर भाई बात करें मस्ट हैव पिक प्लेयर कौन कौन से रहेंगे यहाँ से आपके लिए, इमरान खान, मधुकर थापा दोनों को आप ट्राई करोगे ही करोगे। इसके अलावा अबसार आलम एक ट्रंप कार्ड प्लेयर रहेगा, सुमन गिमरे मस्ट हैव पिक रहेगा। नीचे अगर आप बात करें एमडी शैकत और इम्तियाज राणा, ये दो आपके लिए मस्ट हैव पिक प्लेयर रहेंगे। पांच प्लेयर यहाँ से हो गए, यहाँ से भाई राहुल कुमार एक ट्रंप कार्ड प्लेयर रहेगा और मनदीप सिंह, तो मनदीप सिंह के समेत भाई 6 प्लेयर हो गए। ऊपर से अगर बात करें तो यहाँ से अगर बात करें तो जितेश कुमार बालकृष्णा इंपॉर्टेंट है, कुलदीप गोलिया इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भाई बात करें तो अमनदीप खोखर को आपको अपनी टीम में रखना है, तो ये 3 प्लेयर। इसके अलावा सैदुर रहमान को आप ट्राई कर सकते हो। 4 प्लेयर अगर करना चाहो तो राव इमरान मस्ट हैव पिक रहेगा। 5 प्लेयर और यहाँ से रंजीत नारायण एक ट्रंप कार्ड प्लेयर रहेगा, तो यहाँ से भी 6-7 प्लेयर है। अब इनमें से जो जो मैंने आपको प्लेयर बताया इनमें से भाई कोई एक एक दो तो आप ड्रॉप करके अपनी टीम बना सकते हो। अभी के लिए अगर डेमो टीम की बात करें तो वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब यहाँ से अगर बात करें तो देखिए एस घीमरे की बात करेंगे, यहाँ पर भाई काफी शानदार प्लेयर है, लेकिन भाई यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी जो विकेट कीपिंग सेक्शन है ना, ये भाई आपके लिए काफी क्रूशियल रहेगा। तो एक बार भाई थोड़ा सा नेट अगर अच्छे से चल जाए तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार भाई मैं रिस्टार्ट करता हूँ ड्रीम इलेवन, तो यहाँ पर भाई अब मैं दोबारा ओपन कर चुका हूँ। अब यहाँ से अगर बात करें तो कुलदीप गोलिया मस्ट हैव पिक, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ से अगर बात करें तो सुमन घीमरे भी भाई आपके लिए अच्छे खासे पिक रहेंगे। इसके अलावा जय बालकृष्णा 4% सलेक्शन, भाई ग्रैंड लीग के लिए तो सबसे बेहतरीन प्लेयर, 100% आपकी टीम में रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा राहुल सिंह की, रोशन सिंह है भाई, ये रोशन सिंह को नहीं ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे दो ऐसे प्लेयर है जिनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। भाई अगर आप चाहो तो एस घीमरे को स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ट्राई नहीं कर रहा। यहाँ से एक होकर हमारी टीम में रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो मनदीप मोल, इनको भाई हम अभी के लिए ट्राई नहीं कर रहा। राव इमरान हमारे लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे, 100% हमारी टीम में रहेंगे रहेंगे। इसके अलावा भाई नीचे अगर आप चलोगे तो भाई यहाँ पर कोई और इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ, अदरवाइज भाई यहाँ से मनदीप सिंह को अपनी टीम में रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में तो इमरान खान मस्ट हैव पिक रहेगा, आर नारायण मस्ट हैव पिक रहेगा। यहाँ से अगर बात करें परविंदर सिंह, भाई मैं अभी के लिए मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर अगर बात करें मनदीप सिंह जूनियर की तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ड्रॉप करके चलूंगा। इसके अलावा नीचे अगर बात करें तो जयप्रकाश को आप ट्राई कर सकते हो, या फिर यहाँ से अगर बात करें आर बालकृष्णा की तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा भाई एम शैकत, गजब का प्लेयर है, 100% आपकी टीम में रहेगा ही रहेगा, सिर्फ 7% सिलेक्शन है। बॉलिंग सेक्शन में आ जाइए भाई, यहाँ पर अगर बात करें तो आपके लिए विनीत सिंह ठीक ठाक प्लेयर रहेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो यहाँ से भाई आपके लिए रहने वाला है आई राणा। और यहाँ से भाई अगर नीचे अगर हम चले तो भाई एस रहमान हमारी टीम में रहेगा। इसके अलावा भाई अगर बात करें तो यहाँ से भाई आप एम सिंह को ट्राई कर सकते हो, जो आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर यहाँ से होने वाला है। इसके अलावा भाई अगर आप चाहो तो आप यहाँ से भाई कह गया ऊपर एस कुमार को भी आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हो, सुनील कुमार एक ठीक ठाक प्लेयर आपके लिए रहेगा, तो आप चाहो तो आप इसे भी अपने टीम में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अभी के लिए जो मैंने प्लेयर पिक किए भाई सारे सेफ प्लेयर है। एक भाई यहाँ से मैंने ट्रंप कार्ड प्लेयर पिक किया, अब जो एक प्लेयर है वो भाई यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ जय बालकृष्णा को। बाकी अगर आप चाहो तो आप यहाँ से भाई एस घीमरे को भी अपनी टीम में ले सकते हो ऑलराउंडर ड्रॉप करके, लेकिन ऑलराउंडर में भाई कोई भी ड्रॉप करने लायक प्लेयर नहीं है। सी वी सी की यहाँ से बात करेंगे तो नो डाउट भाई जो मेरा कैप्टन है वो इमरान खान रहेगा। वी सी भाई
अभी के लिए यहाँ से लेके जा रहा हूँ कुलदीप गोलिया को। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से भाई एमडी सैकत को ट्राई कर सकते हो, रोहित नारायण को ट्राई कर सकते हो। बाकी मेरी जो भी फाइनल टीम होगी वो भाई मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। जिस भी भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँ आपके लिए। तो बस दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।